हेलो बच्चों, वेलकम टू टी डी अगले में। आज के वीडियो में मिशन एनडीए 2019 की अगली कड़ी में आपके लिए कुछ नए टॉपिक लेकर आया हूँ। आज हम लोग वेक्टर्स के 3D रिप्रेजेंटेशन को देखेंगे और उसका मैग्नीट्यूड भी निकालना सीखेंगे। किसी भी वेक्टर को 3 डायमेंशन में रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले हम 3 कोऑर्डिनेट्स को ड्रॉ करते हैं। जैसे कि ये 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये एक्स है, ये वाई है और ये जेड है। किसी पोजीशन वेक्टर मान लो मैंने पोजीशन वेक्टर ले लिया, आप चाहो तो किसी और वेक्टर को ले सकते हो। मान लो फोर्स वेक्टर को चाहो तो ले सकते हो। मैंने पोजीशन वेक्टर लिया, पोजीशन वेक्टर आर, तो सबसे पहले क्या करेंगे, पोजीशन वेक्टर आर का तीनों कोऑर्डिनेट्स में रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ले लेंगे। तो पोजीशन वेक्टर आर का अलोंग एक्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट क्या होगा, फिर ये आर एक्स होगा। और क्योंकि ये एक्स डायरेक्शन में, तो इसके लिए एक यूनिट वेक्टर कैप आई ले लेंगे। तो आर एक्स कैप आई वेक्टर आर का रेक्टेंगुलर कंपोनेंट अलोंग एक्स डायरेक्शन है। वेक्टर आर का रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स अलोंग वाई डायरेक्शन आर वाई कैप जे, एंड वेक्टर आर का रेक्टेंगुलर कंपोनेंट अलोंग जेड डायरेक्शन इज आर जेड कैप के। ठीक है, तो पोजीशन वेक्टर आर को हमने 3 डायमेंशन में 3 कोऑर्डिनेट्स के अलोंग कुछ इस तरह डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो इसको हम लिखेंगे कैसे, ये वेक्टर आर है, इसको लिखने के लिए आर एक्स कैप आई प्लस आर वाई कैप जे प्लस आर जेड कैप के। ठीक है, तो इस पोजीशन वेक्टर आर को 3 डायमेंशन में कुछ इस तरह लिखते हैं, आर एक्स कैप आई प्लस आर वाई कैप जे प्लस आर जेड कैप के। मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन कर दूं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स इन 3 डायमेंशन। कि किसी वेक्टर को जब हमें 3 डायमेंशन में रिप्रेजेंट करना हो, तो सबसे पहले उसके लिए हम वेक्टर्स के कंपोनेंट्स को 3 कोऑर्डिनेट्स के अलोंग ले लेते हैं। तो उसके लिए पहले 3 कोऑर्डिनेट्स हमने ड्रॉ किया, एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट एंड जेड कोऑर्डिनेट। वेक्टर आर के कंपोनेंट को इन 3 कोऑर्डिनेट्स के अलोंग लिया। वेक्टर आर का कंपोनेंट अलोंग एक्स आर एक्स कैप आई, वेक्टर आर का कंपोनेंट अलोंग वाई आर वाई कैप जे, एंड वेक्टर आर का कंपोनेंट अलोंग जेड आर जेड कैप के। ये डिफरेंट कंपोनेंट्स है। अब इसको हम किस तरह लिखेंगे, तो वेक्टर आर इक्वल्स आर एक्स कैप आई प्लस आर वाई कैप जे प्लस आर जेड कैप के। आप यहाँ पोजीशन वेक्टर के अलावा किसी और वेक्टर को ले सकते हो। साथ में यहाँ पर वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड निकालना भी हम सीख लेते हैं। जैसे ये वेक्टर आर है, तो इसके मैग्नीट्यूड को निकालने के लिए सबसे पहले इसे मॉड के अंदर लेते हैं। इसका मतलब है कि हम मैग्नीट्यूड निकालने जा रहे हैं। और इन सभी रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स को, इन सभी रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स को स्क्वायर रूट के अंदर स्क्वायर करके लेते हैं, आर एक्स स्क्वायर आर वाई स्क्वायर प्लस आर जेड स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमें इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड दे रहा है। तो किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर हमें डिफरेंट कोऑर्डिनेट्स में फाइंड करना हो, 3 डायमेंशन में फाइंड करना हो, तो हम कुछ इस तरह फाइंड करेंगे। यहाँ पर जो कैप आई है, कैप जे है, एन कैप के, दीज आर यूनिट वेक्टर्स और ये डिफरेंट कोऑर्डिनेट्स को शो कर रहे हैं। कैप आई एक्स कोऑर्डिनेट को शो कर रहा है, कैप जे वाई कोऑर्डिनेट को शो कर रहे हैं, एन कैप के जेड कोऑर्डिनेट को शो कर रहा है, और आर एक्स आर वाई एन आर जेड ये वेक्टर आर के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हैं। उम्मीद करता हूँ बहुत ही छोटा सा टॉपिक है और बहुत ही आसानी से मैंने आपको समझाया, तो आप इन चीज़ों को ध्यान में रखेंगे और इससे न्यूमेरिकल सॉल्व करने में आपको बहुत आसानी होगी। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए टॉपिक के साथ मैं आप सबके सामने आऊँगा।